अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सही सलामत है। आज आपके साथ मैं एक स्नैक्स रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और हम लोग इसे निमकी कहते हैं, आप इसे नमक पारे भी कह सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 10-15 दिन तक। तो इसलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून कलौंजी डाल रही हूँ। इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएंगे, हर बाइट पर ये कलौंजी की फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। 1/2 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और बेकिंग पाउडर डालने से बहुत इसका जो क्रिस्पीपन बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्योंकि ये क्रिस्पी होगा तभी खाने में अच्छा लगता है। लेकिन और नमक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, आप अपने हिसाब से डालें नमक। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद खस्ता करने के लिए मैं यहाँ पे वनस्पति यूज़ कर रही हूँ, जो डालडा कह सकते हैं आप। तो वनस्पति से इसका जो खस्तापन है बहुत बढ़िया बढ़िया आता है, तो वनस्पति ही यूज़ करें इसे। बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पीपन, मतलब क्रिस्पीपन जो होता है वो सॉफ्ट क्रिस्पी होता है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 3 चम्मच वनस्पति लिया है, डालडा लिया है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, खस्ता करें अच्छी तरह से। जब ये मुट्ठी में आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा ये खस्ता हो गया है। अगर आपका जो मुट्ठी में नहीं आता है तो और थोड़ा सा आपको वनस्पति यानी डालडा ऐड करना है। तो अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हूँ, ठंडा पानी से बिल्कुल ना बनाएं इसे। थोड़ा सा गर्म, जो ऐसा गर्म जो आप हाथों से छू सकते हैं, ऐसा गर्म पानी डालना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो तैयार करना है। तो अच्छी तरह बहुत ही स्मूथ डो तैयार करना है। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने वो डो तैयार कर लिया है। थोड़ा सा टाइट होना है, करना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं होगा, नरम होगा, क्योंकि ये लेयर बनेगा अंदर तक। लेयर अगर क्रिस्पी अंदर तक नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं कुछ छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर रही हूँ और इसे बेल लेना है। और इसका जो साइज़ है पूरी से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और रोटी से थोड़ी छोटी साइज़, मतलब बीच का साइज होना चाहिए और ज़्यादा मोटा बिल्कुल नहीं करना है, इसे पतला ही बेलना है। तो आप देख रहे हैं ये मैंने पतला बेल लिया है और पूरी से थोड़ा सा बड़ा किया है और इसे अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह फोल्ड करना है। और ये निमकी अभी बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये बन गया है। तो अभी मैं इसे फ्राई करूँगी। तो तेल मैंने गरम कर लिया है मीडियम टू लो हीट पर। इसे ज़्यादा हीट पर फ्राई बिल्कुल ना करें, नहीं तो इसका जो अंदर का जो लेयर है वो क्रिस्पी नहीं होगा। तो एक साथ ज़्यादा बिल्कुल ना डालें, तेल थोड़ा ज़्यादा डालें फ्राई करते वक्त। और अभी मीडियम टू लो हीट पर है जो फ्लेम है, तो धीरे धीरे जो उसका तेल है आप ऊपर डालें चम्मच से, थोड़ा थोड़ा इसी तरह डालते रहे। और विद इन 30 सेकेंड इसे पलट लेना है। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद इसे पलटूंगी। ये आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ये फूल रहा है, इसका लेयर जो है खुल रहा है। तो विद इन 30 सेकेंड आपको पलटना है, ये ब्राउन होने से पहले ही आपको पलटना है। और जब पलटेंगे पलटने के बाद इसे बिल्कुल लो हीट पर फ्राई करें, नहीं तो अंदर जो लेयर है वो क्रिस्पी नहीं होगा। तो इसे लो हीट पर इसी तरह फ्राई करते रहे जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अभी देख रहे हैं मैं ये निमकी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसी तरह लो हीट पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें, ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पीपन आ जाएगा इसमें। तो ये निमकी अभी बिल्कुल तैयार है। तो अभी मैं तेल से इसे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह सारे निमकी को फ्राई करें और ठंडा होने के बाद आप इसे चाय के साथ, गरम गरम चाय के साथ खा सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर पर आप इसे स्टोर कर सकते हैं 10-15 दिन तक। तो इसी तरह मैं एयर टाइट कंटेनर पर मैं स्टोर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये निमकी रेसिपी यानी नमक भरे रेसिपी पसंद आएंगे, आप इसे बनाएं और स्टोर करें। तो फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप खुश रहे और स्वस्थ रहे। अल्लाह हाफिज़।